फ्रेंड्स, वेलकम टू द काइट पॉइंट। फ्रेंड्स, संडे का दिन है और आज मैं अपनी छत पे हूँ। दोपहर के 2:45 या 3 बजे का टाइम हो रहा है। इतनी कड़कती धूप के अंदर मैं स्पेशली किसी काम से यहाँ पे हूँ और वो काम है अपनी पतंगों को प्रिवेंट करने के लिए उनको सन बात कराना और थोड़ी हीट देना, ताकि जितने भी इंसेक्ट्स हैं और जितने भी घुन वगैरह से हमारी पतंगों का जो भी नुकसान होता है, पतंग सभी काइट प्रेमियों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास में जितना भी है, मेरे पास में मैदानी पतंगों का स्टॉक है जो हमारे पास अवेलेबल है इस समय। ये सब हमारा पतंगों में घुन लग रहा है और धीरे धीरे इनको नुकसान पहुंचा रहा है। इनमें से कई पतंगें हमारी डैमेज भी हो गई हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप हमारे पास कितना एक लार्ज कलेक्शन है अच्छी पतंगों का, और जिसमें से कई पतंगें हमारे पास में नुकसान भी हो चुकी हैं। काफ़ी पतंगों में घुन लगने की वजह से उनके स्टिक्स ख़राब हो गए हैं। आप देख सकते हैं कई पतंगों की कमानें, ये दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, ये घुन खा गया था और ये देखिए कमान कैसे ख़राब हो गई है। इनमें से कोई भी पतंग इतनी सस्ती नहीं है, और एक काइट लवर्स होने के नाते हम सभी का ये एक हमारा एक दायित्व बन जाता है कि अपनी काइट्स को कितने अच्छे तरीके से हम संभाल के रखें। तो फ्रेंड्स, विंटर्स शुरू होने वाले हैं। विंटर्स के मौसम में ठंडक होती है, नमी होती है, इसमें कीड़े भी पनपते हैं, और यही सही टाइम है, यही एक सही मौका है कि कितनी अच्छी धूप निकलने लग गई है। दिल्ली में पिछले महीने में मेरे फ्रेंड्स काफ़ी बारिश पड़ी है, जिसके कारण इतनी तेज़ बारिश पड़ने के कारण जो है बहुत ज़्यादा नमी हो गई थी, जिसमें हमारी कई पतंगों का कितनी वैल्यूएबल पतंगों का हमारा जो है डैमेज हो गया है, काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। अभी भी आप देख सकते हैं ये जितनी भी पतंगें हैं, ये 250 से 300 पतंगें, ये कम से कम जो है अभी भी ये स्टॉक 7 से 8 हज़ार रुपये का स्टॉक है, क्योंकि ये सभी पतंगें मैदानी हैं और इनमें बहुत ही अच्छे मेकरों ने बनाया है और उनमें बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने रॉ मटेरियल यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कोई भी पतंग जो है 10 रुपये से नीचे की नहीं है। दैट मीन्स के ये स्टॉक जो है कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये के रेंज के बीच का स्टॉक है, और यही सही टाइम है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आपके पास में जितना भी काइट्स का कलेक्शन है और जितना भी आपके पास पेंडिंग स्टॉक रह गया है ड्यू टू रेन और पतंग नहीं उड़ाने के कारण, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी ही पतंगें मैंने आज छत पे लाकर रख दी हैं और खोल के रख दी हैं। आप देख सकते हैं हमारे बैग सारे खुले पड़े हैं, और मेरे पास इसके अलावा भी कई बैग्स हैं, लेकिन एक साथ इतनी पतंगों को रखना और सभी को एकदम से प्रोटेक्ट करना, हीट सनबाथ देना, ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इसको धीरे धीरे ही कर पाएंगे। जितना भी स्टॉक आज 3 बैग का मैंने बाहर निकाल के रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप भी काइट लवर हैं, और एक अच्छे काइट लवर होने के नाते हमें अपनी पतंगों से प्यार करना चाहिए, और जितना भी अवेलेबल स्टॉक है उन सभी को हमारे को धूप लगवा लेनी चाहिए। और यही सही टाइम है कि आने वाले विंटर्स से पहले, क्योंकि पतंगबाजी का जो असली मज़ा है वो सीज़न में नहीं होता है, और जितने भी शौकीन लोग हैं वो विंटर्स के अंदर ज़्यादा पतंगबाजी करते हैं, और जो उनका प्रीवियस स्टॉक्स है उसको हमें, मैं उनसे चाहूँगा कि वो उन सभी को धूप लगवा लें, ताकि पतंगों में घुन ना लगे, कोई इंसेक्ट उसमें काम ना करे। इसके बाद हमें धूप लगवाने के बाद भी हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की धूप, मैक्सिमम हाफ़ एन आवर बहुत होता है धूप लगवाने के लिए। अगर ऐसी टाइप की धूप आ रही है कि जिसका टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री का है, तो इसमें हमारे को ये काइट्स प्रिवेंट करने के लिए हाफ एन आवर बहुत होता है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी फंडे को अपनाएं, ताकि आपका भी कोई नुकसान ना हो। हर साल हम इतने चाव से पतंगें खरीदते हैं सीज़न में, और इंसेक्ट जो होते हैं, घुन होते हैं, और तरह तरह के दीमक या कीड़े होते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा बड़ा दिल दुखता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस फॉर्मूले पर काम करें, इसी फंडे को अपनाएँ, और अपनी पतंगों को, यही सही टाइम है, जिस दिन भी आपको टाइम हो, फ्री टाइम हो और धूप अच्छी आ रही हो, आप ज़रूर धूप दें इन्हें, ताकि इनमें से धुन चले जाएँ। इसके बाद भी आप जो बैग में इसको कवर करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई फिनाइल की गोलियां या नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं, या चाहें तो कोई पनवाड़ी की दुकान से कोई ख़राब तंबाकू और हल्की सी लाल मिर्च भी रख सकते हैं, जिससे कि हमारे इंसेक्ट्स वगैरह इनको डैमेज नहीं कर पाएंगे, इनसे दूर भागेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, बड़ा अच्छा लगता है कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन को आपसे शेयर करना, जो कि आपको, जिसका आपको, जिससे आपको हेल्प मिले और जिसका आपको लाभ हो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।